हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रिक्वेस्ट की है, और जिन्होंने मुझसे इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था उनकी आईडी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ऑलवेज न्यू। तो उन्होंने कुछ नई तरह की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि यासिर सरविंद और विश्वनाथन आनंद के बीच में अगर कोई गेम है तो उसे ज़रूर बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो काफ़ी गेम्स मुझे मिली, सॉरी फॉर द टाइम बिंग, मुझे थोड़ा समय नहीं मिला इस गेम के ऊपर ज्यादा रिसर्च करने का, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है ये गेम ब्लाइंड फोल्डेडली खेली गई थी। लेकिन अगर ये गेम ब्लाइंड फोल्डेडली खेली गई है तो वाकई में बहुत कमाल की गेम है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं सीधा इस गेम की तरफ। यहाँ गेम की शुरुआत यासिर सेरेविन ने की थी E4 के साथ, तो C5 सिसिलियन डिफेंस यहाँ विश्वनाथ आनंद ने शुरू किया। नाइट C3 देन E6, नाइट एट जी गोज टू E2 देन A6, दैट्स ओके। G3 B5 बिशप G2 स्क्वायर पर देन बिशप B7 स्क्वायर पर A3 देन नाइट C6 स्क्वायर पर कैसल बाय व्हाइट देन D6। F4 नाइट F6 स्क्वायर पर H3 बिशप E7 देन D3 कैसल बाय विश्वनाथन आनंद। बिशप गया E3 स्क्वायर पर, यहाँ व्हाइट ने अपने बिशप को E3 स्क्वायर पर लिया देन D5, और यहाँ आनंद की अगली थ्रेट है इस डी पॉन को आगे पुश करके फॉक लगाने की। तो यासर ने पहले अपने बिशप को F2 स्क्वायर पर लिया था, D4 नाइट गया B1 स्क्वायर पर, व्हाइट यहाँ थोड़े क्रैम्प्ड फॉर्मेशन में आ चुका है। E5 देन नाइट D2, नाइट D7 देन नाइट F4, बिशप D6 देन F5, और यहाँ पॉन एक्सचेंज का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ है। C4 देन G4, A5 देन बिशप H4 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक बना, लेकिन यहाँ आनंद ने अपने बिशप को बीच में लगाकर बिशप एक्सचेंज ऑफर दिया। बिशप टेक C7, क्वीन टेक C7 देन G5, और फ्रेंड्स यासर ने भी बहुत स्ट्रांग पे पॉन चेन तैयार कर ली है। यहाँ ये पॉन अब बस दो मूव के बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। F6 यहाँ आनंद ने किया, आस्किंग फॉर पॉन एक्सचेंज एट F5 देन G6। कोई जरूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की H6, डेडलॉक सिचुएशन। और इस डेडलॉक में मेरा ऐसा मानना है कि ब्लैक एज अ डिफेंडर खेलेगा, क्योंकि व्हाइट के पास यहाँ किंग साइड में काफी स्पेस आने वाला है, काफी स्पेस उसे मिलने वाला है। माइट बी पीस सेक्रीफाइस और कुछ G5 में एक पासर, स्ट्रॉन्ग पासर इनफैक्ट। खैर, नाइट गया G3 स्क्वायर पर, यासिर ने अपने नाइट को G3 स्क्वायर पर लिया देन नाइट C5 यहाँ आनंद ने किया, नाइट H2 देन रुक अटैक गोज टू C8 नाइट H5, और फाइनली जिस अटैक की मैं बात कर रहा था यासिर सरविन की तरफ से वो लगना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के अटैक फर्दर फ्यूचर गेम्स में आने वाले हैं, ये सब कुछ होने वाला है इस गेम में। तो बिशप A6 यहाँ पहले आनंद ने लिया। फ्रेंड्स, इस बिशप के A6 स्क्वायर पर आने से आखिर आनंद की क्या प्लानिंग है? माइट बी इस D3 स्क्वायर पर किसी तरह का कुछ एडवेंचर किया जाए, बी पॉन को आगे पुश करके टेक्स 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 देन यहाँ D3 स्क्वायर पर कुछ ना कुछ हो सकता है। वेल, रुक F3 पहले यहाँ यासर ने किया। नाउ आई थिंक बी पॉन आइडियाज बुरे नहीं थे आनंद के, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले अपने किंग को F8 स्क्वायर पर लिया, क्योंकि आगे निश्चित है कि अटैक जितना भी व्हाइट का लगने वाला है वो ये सारा यहाँ इस जी या एफ पॉन, G7 और F6 पॉन के इर्द गिर्द ही लगने वाला है। तो पहले अपने किंग को साइड कर ले, और जितना बाकी डिफेंस हो सके यहाँ ज्यादा से ज्यादा G8 G7 पॉन की डिफेंस में लाया जा सके तो लेकर आए। नाइट G4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया देन किंग गया E8 स्क्वायर पर, ब्लैक के किंग की सेफ्टी ड्रॉप तो मैं कहूंगा, रुक गया G3 स्क्वायर पर, और मेरे ख्याल से यासिर के लिए ऑल इज वेल, सारा अटैक यहाँ तैयार हो चुका है। लेकिन आनंद ने समय रहते अपने किंग को बिल्कुल सही स्क्वायर पर पहुंचा दिया है, किंग गया D7 स्क्वायर पर। और अब दो जगह में डायरेक्शन होता है, एक तो यहाँ ये डी टेक C4 आइडियाज है, बी टेक C4 होगा देन नाइट A3, ये भी काफी इंटरेस्टिंग वेरिएशन यहाँ से निकल कर आते हैं। लेकिन यहाँ नाइट एट जी टेक्स एफ सिक्स, आनंद ने इस मेटेरियल सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया G7, और यहाँ ये पॉन सिर्फ एक कदम की दूरी पर है क्वीन बनने से, और थोड़ी ही देर में ये H6 पॉन नहीं डिफेंड किया जा पाएगा। वेल, किंग गया C7 स्क्वायर पर, रुक G6 अटैकिंग बोथ द पॉन्स, नाइट D7 से एटलीस्ट इस F6 पॉन का तो डिफेंस हुआ। D7, D2 स्क्वायर पर ये H6 पॉन नहीं बच सकता, यानी कि एक नाइट के बदले में यासिर ने आनंद के दो पॉन्स ऑलमोस्ट ले लिए हैं। वैसे अब रुक G8 के ऑप्शन कंसिडरेबल है, रुक टेक्स H6 हो सकता था, रुक
कुछ इस तरह के फॉर्मुलेशन हो सकती थी, लेकिन बिशप B7 यहाँ पहले आनंद ने किया। फ्रेंड्स ये काफी इंटरेस्टिंग, बिशप का B7 स्क्वायर पर आना हो सकता है, क्यों ये आने वाले समय में क्लियर होगा। क्वीन गई H6 स्क्वायर, क्वीन टेक्स H6 हुआ ही हुआ, रुक G8 यहाँ आनंद को करना ही पड़ा। नाउ व्हाट अबाउट दिस रुक टेक्स F6, यहाँ ये पॉन मिल रहा था यासिर सर को। नाइट टेक्स F6 होता, नाइट टेक्स F6, क्वीन टेक्स G7, नाइट टेक्स सॉरी नाइट D5 चेक, और एक नाइट के लिए बहुत स्ट्रांग यहाँ फ्यूचर में आउटपोस्ट तैयार हो सकती है। किंग फिलहाल मूव करना ही होगा, और किंग के लिए आई थिंक D8 स्क्वायर जैसा ही स्क्वायर ही हो सकता है। देन क्वीन D6 चेक होगा भी, तो क्वीन बीच में लग जाएगी, क्वीन C5 स्क्वायर पर जाएगा, और उसके बाद अब कहीं जाकर इस बिशप की इम्पॉर्टेंस समझ में आनी शुरू होगी। खैर मैंने मानता कि ब्लैक का किंग इतनी ज्यादा सेफ पोजीशन में यहाँ से भी होगा, पर गेम पर देखते हैं गेम में क्या हुआ था। यहाँ हुआ था किंग H2, पहले अपने किंग को मूव किया और अपने रुक दूसरे रुक को लाने की एंट्री तैयारी हम कह सकते हैं। नाइट D8 यहाँ पहले आनंद ने किया। रुक टेक्स F6 की ऑप्शन अभी भी अवेलेबल थी, पर रुक G1 यहाँ पहले यासर ने किया, देन नाइट गया F7 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन को वापस जाना पड़ा D2 स्क्वायर पर, अदरवाइज क्वीन के ट्रैप होने के काफी चांसेस थे। क्वीन यहाँ कम से कम इस G7 स्क्वायर पर, H7 स्क्वायर पर तो नहीं आ सकती, अदरवाइज नाइट फिर दोबारा क्वीन पर अटैक होंगे, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। बिशप C6 यहाँ पहले आनंद ने किया, देन बिशप गया F1 स्क्वायर पर, देन B4, और फ्रेंड्स 8xB4, 8xB4, और क्या अब यहाँ वाइट Dxc4 नहीं कर सकता? लेकिन कर तो सकता है, बिशप टेक C4 होने के बाद ये जो स्ट्रांग पॉन चेन है यासिर का, जो सबसे बड़ा प्लस इस गेम के अंदर है, वो वीक हो चुका होगा। बिशप G2 यहाँ वाइट को करना ही पड़ेगा, बिशप टेक G2, क्वीन टेक G2, और यहाँ मैं इसे थोड़ा सा डेडलॉक मानूंगा इस पोजीशन को, क्योंकि ये जी पॉन आगे कुछ आराम से हो नहीं पाएगा। नाइट आकर, लेकिन उसके लिए नाइट है यहाँ पर, खैर गेम को देखते हैं। गेम में हुआ था नाइट G3, ज्यादा बेटर कुछ और ऑप्शंस थी क्या? कोई नहीं फ्रेंड्स, यार गेम को ही देखते हैं। गेम में यहाँ हुआ था नाइट G3, नाउ C3 यहाँ पहले आनंद ने गया, क्वीन पर अटैक बना, तो B टेक C3, D टेक C3, दैट्स बेटर। और यहाँ आनंद ने अपने लिए पोटेंशियल चांस बना कर रखा है इस सी पॉन को C2 स्क्वायर पर पहुंचाने का। क्वीन D1 यहाँ पहले यासिर को करना ही पड़ा, नाइट D6, थिंक आइडियाज बुरे नहीं थे नाइट D6 के, यहाँ से ही नाइट कहाँ जाएगा B5 स्क्वायर पर, देन बहुत अच्छा C2 स्क्वायर तक अटैक सॉरी डिफेंस बनता है यहाँ आनंद का, अगर इस तरह से गेम आगे बढ़ती है। लेकिन रुक D2 सॉरी रुक A2 यहाँ पहले आनंद ने किया, तो रुक गया G2 स्क्वायर पर, ताकि इस पॉन पर फिलहाल ज्यादा प्रेशर तो कर पाए, ऐसे भी नहीं है। वेल नाइट D6, देन नाइट H5 स्क्वायर पर, नाइट B5 फाइनली है, नाइट की डेस्टिनेशन या D4 स्क्वायर की आ ही चुकी है। व्हाट अबाउट दिस D4? फ्रेंड्स D4 का आइडिया काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्यों? क्योंकि यासिर के पास ये बहुत शानदार ऑप्शन है, दोनों रुक्स पर फॉक लगने की ऑप्शन है। E टेक्स D4 कह सकते हैं करना पड़ेगा, लेकिन बिशप C4 के बाद आनंद थोड़ा बैकफुट पर आ सकते थे। खैर ये तीन पॉन की पॉन चेन जो है बहुत स्ट्रांग होती है, फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह का डेंजरस गेम प्ले हो सकता था। वेल रुक H6 यहाँ पहले यासिर ने किया, नाइट गया D4 स्क्वायर पर, देन रुक एट एच और रुक H8, रुक एट A2 A8, रुक पर डिफेंस करना ही पड़ेगा, रुक टेक G8, रुक टेक G8, और एटलीस्ट एक यहाँ वही डेडलॉक अभी बरकरार है। क्वीन A1 यहाँ पहले यासिर ने किया। नाउ व्हाट अबाउट क्वीन C5? क्वीन C5 फ्रेंड्स मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, क्योंकि ब्लैक के आइडियाज आपको पता ही हैं, ब्लैक के आइडियाज हैं बी पॉन को आगे पुश करके, यहाँ पॉन डिफ्लेक्ट करवाकर और इस पॉन को निकालने के। दूसरा व्हाइट के आइडियाज क्या हैं? व्हाइट के आइडियाज हैं ए फाइल से आकर कुछ चेक्स देकर ब्लैक की पोजीशन को थोड़ा वीक करने के। तो अगर क्वीन यहाँ इस C5 स्क्वायर पर जाती है तो प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व होती है, किसी तरह की कोई चेक्स आती नहीं है। खैर यहाँ किंग B6 पहले आनंद ने किया, क्वीन A2, और फ्रेंड्स आई थिंक यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यासिर के ऊपर काफी प्रेशर आ चुका है, तो इसी वजह से उन्होंने कुछ इस तरह के मूव चले। पहली नजर में ठीक है, रुक पर अटैक बन रहा है बिल्कुल, और रुक अगर अटता है तो दैट्स इट, वाइट के लिए विनर है। लेकिन गेम प्लान सारा
इस सी पॉन को लेकर है आनंद का, और वही काम उन्होंने यहाँ किया भी। उन्होंने यहाँ B3 किया, सबसे पहले क्वीन की फायरिंग लाइन को बंद किया, क्वीन पर अटैक बना, और यहाँ इस सी पॉन को हटाना ही होगा, दैट इज कॉल्ड डिकॉय। सी टेक्स B3 हुआ और उसके बाद क्वीन गई F7 स्क्वायर पर, और अब आगे आने वाले समय में जो भी होगा पक्का फ्रेंड्स, ये पॉन अगर आगे पुश होगा तो क्वीन एक्सचेंज आनंद यहाँ करने ही वाले हैं। B4 यहाँ पहले यासर ने किया, क्वीन टेक्स A2, रूक टेक्स A2, देन C2, और फाइनली ये सी पॉन आगे पहुंच ही चुका है। रूक टेक्स C2 यहाँ ब्लैक सॉरी यासर को करना ही पड़ा। नाइट टेक्स C2 हुआ, देन D4, नाइट या E3 स्क्वायर पर पहले यहाँ इस बिशप पर अटैक है। आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि ये E4 पॉन भी अब थोड़ा वीक हो चुका है। बिशप D3 यहाँ पहले यासर ने किया, देन E takes D4, और यहाँ एक और पास आप कह सकते हैं किंग G3 स्क्वायर पर, लेकिन विश्वनाथन आनंद का यहाँ फाइनल मूव था नाइट को E5 स्क्वायर पर ले जाने, और यहाँ इस मूव के बाद यासिर सरवन ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स एक बात मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि अगर ये गेम ब्लाइंड फोल्डेड खेली गई थी जैसा मुझे अनुमान है, तो इससे अच्छी गेम नहीं हो सकती। यहाँ रेजिग्नेशन की आखिर वजह क्या है? वजह फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है, ये नाइट पहले तो बिशप पर अटैक कर रहा है, और अगर ये बिशप कहीं भी हटता है, आई थिंक ये तीन ऑप्शन है इस बिशप के जाने के लिए, तो बिशप मान लेते हैं B1 स्क्वायर पर चला भी गया, देन D3, और यहाँ ये पास अब किस तरह से होगा? आई डोंट थिंक देयर इज एनी वे आउट। बिशप टेक्स D3 यहाँ व्हाइट को करना ही पड़ेगा, देन नाइट टेक्स D3, और अब काउंट करते हैं जरा मेटीरियल वाइज आनंद कितनी बड़ी लीड बना चुके हैं। फ्रेंड्स कमाल की गेम थी, और मैं फिर दोबारा वही कहूंगा कि ऑलवेज न्यू ने काफी नई तरह की हमने गेम सजेस्ट की थी। फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।